क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है ADP। वेलकम टू रिव्यू शेव्यू। मेरे पास आ चुके हैं Oppo Enco W51। मैं इनको कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव सम थॉट्स व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको मालूम चल सके कि आपको इनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली चीज़, इनका जो प्राइस है दैट इज़ 5000 रुपीज़। इनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज यूजुअल, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। अब जान लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमको कौन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो बॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, हमारे TWS एंड टाइप C केबल। सो हमको मालूम चल गया बॉक्स के अंदर क्या है। अब जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में, दैट टू केस के डिज़ाइन के बारे में। सो गाइस, इस बार जो आपको केस मिलता है वो हल्का सा अलग है, स्क्वायर शेप में आता है विद ग्लॉसी फिनिश एंड वायरलेस चार्जिंग, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड सपोज आपके पास वायरलेस चार्जर नहीं है तो आप नॉर्मली चार्ज करना चाहोगे तो आपको एक टाइप C पोर्ट दिया गया है एंड उसी पोर्ट के बगल में आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाता है, जो अगेन एक एड ऑन है, पहले नहीं था W31 में। उसके बाद अगर मैं इस केस को खोलूं तो सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि इसको एक हाथ से खोलना अभी भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इसमें जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, द मैग्नेट्स विच आर होल्डिंग द ईयरफोन्स आर रियली लिटिल वीक, आई मीन वीकर दैन W31 एंड W11। सो ये चीज़ मैंने नोटिस की तो आपको बता रहा हूँ, बट ऑल दीज थिंग्स आर निट पिक्स। ज़्यादा लोगों को शायद फ़र्क भी ना पड़े इन सारी चीज़ों से। ओवरऑल जो इसका केस है वो मुझे अच्छा लगा, स्टाइलिश है एंड स्लीक है। अब बात करते हैं ईयरफोन्स के डिज़ाइन एंड लुक्स के बारे में। TWS ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं Enco W31 जैसे। क्या अभी आप बता सकते हो कि इनमें से W31 कौन से हैं और W51 कौन से हैं? वेल, क्लोजली अगर नोटिस करोगे तो आपको मालूम चलेगा W51 साइज़ में हल्के से छोटे हैं एंड मैंने जितना नोटिस किया वो हल्के भी हैं W31 से। एंड मुझे लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नो इशूज़ एट ऑल विथ लुक्स एंड डिज़ाइन। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थे W31 एंड नो डाउट मेरे को W51 भी लुक्स और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी पसंद आए। सो इनमें आपको हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, जो कि 5000 रुपीज़ में शायद सबसे पहला ईयरफोन है जो प्रोवाइड करा है, बट आई माइट बी रॉन्ग। बट मैंने जितने भी अभी तक यूज़ किए उनमें सबसे पहले ईयरफोन है 5000 रुपीज़ में जो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें आपको 7 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, IP54 की रेटिंग मिल जाती है, आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं एंड वियर डिटेक्शन मिल जाते हैं। टच जेस्चर्स की बात करूं तो वो अगेन इम्पॉसिबल है उनको कस्टमाइज़ करना नॉन ओप्पो डिवाइसेस में, एंड वो बहुत ही बेसिक फंक्शंस के साथ आते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको इनमें नहीं मिलता है एंड ये चीज़ ओप्पो को डेफिनेटली डालनी चाहिए थी। इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम कंट्रोल, ईजी भी रहता है यूज़र्स के लिए। बार बार उनको फ़ोन के थ्रू जाके या सीरी या गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करके वॉल्यूम को अप या डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप जो ईयरफोन्स आते हैं उसी से कर सकते हो। सो ये चीज़ मुझे कम लगी है, ये चीज़ डेफिनेटली हो सकती थी तो बहुत बढ़िया होती। एंड अगर मैं बात करूँ वियर डिटेक्शन के बारे में तो वियर डिटेक्शन अभी थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगा मेरे को अगर मैं W31 के साथ कंपेयर करूँ, लेकिन इनमें वो जो वियर्ड चीज़ हो रही थी W31 में वो अभी भी परसिस्ट करती है। मतलब अगर आप दोनों कानों से अपने ईयरफोन्स को निकालते हो और वापस लगाते हो कानों में तो जो गाना है वो पॉज हो जाता है जैसे आप निकालते हो, लेकिन प्ले वापस नहीं होता है जैसे आप दोनों ईयरफोन्स को वापस कानों में डालते हो। सो ये चीज़ W31 में भी थी एंड अभी W51 में भी। अगर ओप्पो से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को जल्दी से फिक्स कर दो, क्योंकि और जितने भी TWS आते हैं जिसमें भी वियर डिटेक्शन मिलती है उनमें ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं की है। सो ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है और यूज़र एक्सपीरियंस को भी ख़राब करती है। बात करूँ अगर मैं ANC की, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली एकदम सन्नाटा कर देता है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा जैसे आप इनको प्लग इन करोगे, वैसा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। एंड आपको क्लियरली डिफरेंस मालूम चलेगा कि एक पैसिव नॉइस कैंसिलेशन में जैसे कान के अंदर एक सील बनती है और इनमें जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में क्या डिफरेंस है आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा एंड आपको ये चीज़ पसंद भी आने वाली है। सो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो 60-70% वॉल्यूम पे विथ ANC ऑन मेरे को किसी भी चीज़ की और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब जो एनवायरमेंट नॉइज़ है वो तो भी सुनाई नहीं दे रहा था, प्लस जो कोई अगर इंसान आके मेरे से बात करता है तो उनकी भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। तो इतने तगड़े तरीके से काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं फिट एंड कंफर्ट के बारे में तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुए एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे। लेकिन अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके कान और मेरे कान अलग अलग हैं, शायद आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। बट एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उनको लगा सकते हो ईयरफोन पे, सो दैट वो आपको बेटर फिट हों एंड आपको कंफर्टेबल भी लगें। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी TWS के बारे में, दैट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है, फोन के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। इंडोर्स में यूज़ करो या आउटडोर्स में यूज़ करो, कनेक्शन हमेशा स्टेबल रहता है। सो आप जिमिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो, रनिंग या जॉगिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी स्टटर व्हाट्सएवर कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं होगी। रेंज की बात करूं तो सरप्राइजिंगली ये बेटर हैं रेंज में W31 से। W31 की रेंज काफ़ी अच्छी थी और इनकी रेंज भी काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये चीज़। रेंज के मामले में भी ये टॉप नॉच है। प्लस इन TWS को आप मोनो मोड में यूज़ कर सकते हो। एंड अब अगर मैं बात करूं इसके कोडेक के बारे में, तो AAC एंड SBAC कोडेक मिल जाता है। सो मेक श्योर अगर आप इनको खरीद रहे हो तो आपके फ़ोन में AAC कोडेक का सपोर्ट हो, वरना ही आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस नहीं देंगे। सो कनेक्टिविटी के बाद अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। सो गाइस, ऑडियो आउटपुट के बारे में सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा मैं, दीज आर सुपर्ब। मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, आप जैसे यूज़ करोगे आपको मालूम चल जाएगा कि कितने बढ़िया ऑडियो आउटपुट ये प्रोवाइड करते हैं। मिड्स, लोज, हाई सब एकदम मतलब परफेक्टली ट्यून्ड है एंड आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। प्लस आप इनको 100% वॉल्यूम पे भी बिना इरीटेट हुए अपने गानों को एंजॉय कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे पसंद आई इन TWS में। लेकिन एक चीज़, हल्की सी चीज़ मैंने नोटिस की और शायद आप में से बहुत सारे लोग नोटिस ना करो, जब भी ANC ऑन रहता है और आप कोई भी ऐसा गाना सुन रहे हो जिसमें जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और जो वॉल्यूम है वो 100% पे, तो किसी जगह पे हल्के से क्रैकल करते हैं। एंड बहुत ही छोटा सा क्रैकल होता है बट नोटिसेबल है, एंड ये बहुत ही रेयरली होता है, मतलब इट्स वेरी सेल्डम। तो इसको आप निट पिक बोल सकते हो बट ऐसा होता है और मैंने नोटिस किया तो मैंने आपको बता दिया। बट अगर ओवरऑल बताऊं तो दीज आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग TWS अंडर 5000 रुपीज़। सो गाइज, ऑडियो क्वालिटी के बाद अगर मैं लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी आपको मीडिया कंज्यूम करते टाइम एकदम ना के बराबर मिलेगी। मतलब अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो लेटेंसी बहुत कम है और आपको शायद नोटिसेबल ना लगे, लेकिन जब आप गेम खेलते हो तो एकदम हल्की सी नोटिसेबल है बट 100% प्लेएबल। आप एंजॉय करने वाले हो गेमिंग को एंड वीडियो एक्सपीरियंस को। सो लेटेंसी में भी ये ईयरफोन्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब लेटेंसी के बाद बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। कॉल क्वालिटी मेरे हिसाब से 5000 रुपीज़ में शायद जल्दी होगा बोलना, बट मैंने अभी तक जितने भी यूज़ किए मेरे हिसाब से दीज आर परफेक्ट वंस, मतलब बेस्ट हैं ये शायद 5000 रुपीज़ में। कॉल क्वालिटी के मामले में 3 माइक मिलते हैं आपको नॉइस कैंसलेशन के लिए एंड वो अच्छे से काम भी करते हैं। मैंने पार्क में जाके जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था यूज़ किया, कॉल किया, मेरे दोस्त को मालूम भी नहीं चला कि मैं फ़ोन पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ईयरफोन्स पे बात कर रहा हूँ। उसको लग रहा था कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। एंड इंडोर्स में तो कॉल क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, कहीं भी यूज़ करो। कॉल क्वालिटी के मामले में ये आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। सो कॉल क्वालिटी के बाद अब बात करते हैं हमारे आखिरी एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ बैटरी लाइफ। सो गाइज, अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो जस्ट लाइक W31 इनका भी जो बैटरी का डिपार्टमेंट है वो वीकेस्ट है। मतलब W51 में हर चीज़ इतनी पिच परफेक्ट है, लेकिन जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगी मुझे। मतलब अगर आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन रहता है इन TWS में, देन आपको मैक्स 2 घंटे 50 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। 3 घंटे भी टच नहीं कर पाई ये TWS। और जब आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करके इनको यूज़ करते हो तो मैक्सिमम जो आपका बैटरी बैकअप है वो मिलता है 3 घंटे से 3.5 घंटे के बीच में। 3 घंटे 28 मिनट शायद था, मैंने जितना मेजर किया था, तो आप 3.5 घंटे बोल सकते हो। सो बहुत ही एवरेज है। एंड अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो ये केस के थ्रू 3.5 बार चार्ज हो जाते हैं। 4 बार कम्प्लीटली चार्ज नहीं होंगे, 3 बार कम्प्लीटली चार्ज होंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप वापस चार्ज करने जाओगे तो 50% ही चार्ज कर पाओगे, इनको 100% नहीं कर पाओगे। और जो इसका केस है उसको चार्ज होने में 1 घंटे 25 मिनट के आसपास लग गए। वायरलेस चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास वायरलेस चार्जर है नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाया। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। सो गाइज, ये था पूरा रिव्यू। अब अगर मैं बात करूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, सो मेरे हिसाब से ये पिच परफेक्ट ईयरफोन्स हो सकते थे 5000 रुपीज़ में, बट नहीं हो पाए क्योंकि इनमें जो बैटरी बैकअप है वो एवरेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट TWS हैं अभी भी 5000 के ब्रैकेट में। और मैं अगर बोलूँ तो इवन जो OnePlus Buds हैं उनसे बेटर ऑडियो आउटपुट इनमें आपको मिल जाती है। इनका जो ऑडियो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई एंड ये प्रोडक्ट भी पसंद आया होगा। सो अगर आपको खरीदना है तो बेस्ट बाइंग लिंक्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। सो अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ मैं आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।